क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन और दिया ज्ञापन। आइए देखते हैं बुढ़नपुर से संतोष मिश्र की रिपोर्ट। इसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय हुई। चारों तरफ जहां आप खड़े हैं, चारों तरफ नजर आप डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। जो आंकड़े आए, जो सर्वे आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीहत हुई। उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का प्रयोग करके, प्रशासन का प्रयोग करके अतरौलिया ब्लॉक के अंदर विधि सम्मत हमने कंपेनियन बनाने के लिए आवेदन दिया, हमारे आवेदन को रद्द कर दिया गया। बार बार हमने अनुनय विनय किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई ठोस बिना कारण बताए एक तानाशाही रवैया अपना कर, गुंडागर्दी अपना करके हमें नहीं दिया गया। वहीं जब हम पुलिसा ब्लॉक को जीत रहे थे, बड़े अंतराल से हम जीत रहे थे, हमारे प्रमुख पद के प्रत्याशी महेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेहनती व्यवसायी हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद रातों रात पुलिस ने जहाँ जहाँ हमारे बीडीसी के रहे थे या बीडीसी स्वेच्छा से जहाँ थे, उन बीडीसीओं के यहाँ छापेमारी की गई, उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया, उठा करके पुलिस ले जा करके जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, जो शराब बेचता है, उसके यहाँ ले जा करके दे देने का काम हुआ। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी शराब व्यवसायी के आगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन घुटने टेक दिया। आज जो विशाल हुजूम केवल टेलीफोन की सूचना पर, आज आप देखे होंगे गांव-गांव से निकल करके लोग आए हैं, जनता में व्यापक आक्रोश है। लोकतंत्र का इस तरह हमने भी चार बार सरकार बनाया था, कोई माई का लाल एक उंगली उठा करके कह दे कि अमुक जगह आपने किसी को बलपूर्वक या पुलिस के द्वारा आपने किसी को धमकाने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी अतरौलिया के अंदर, पुलिसा के अंदर, पारला, जहाँ जहाँ देखा जाए लोगों का, बीडीसी सदस्यों का घर ना अपने चली गई, उनके खेत बाड़ी ना अपने चली गई। हमने एसडीएम से कहा कि क्या करा रहे हो, तमाशा करा रहे हो, तुम उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत उप जिलाधिकारी हो, ऐसे ऐसा असहाय उप जिलाधिकारी, ऐसे असहाय पुलिस प्रशासन हमने कभी नहीं देखा था, जिस तरह से असहाय थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।